हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लीफ आर्ट को कैसे बनाते हैं, लीफ आर्ट में कौन सा लीफ यूज होता है, नीडल कौन सी यूज करनी है, आउटलाइन कैसी बनानी है और शेडिंग कैसे करनी है। शेडिंग जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट जो होता है वो हमें शो करना होता है। और मेन पॉइंट की इस वीडियो में हम महेश भाई और उनकी फियांसी स्नेहल मैम, इन दोनों क्यूट कपल की लीफ आर्ट बनाने वाले है। और महेश भाई जो है एक फेमस टैटू आर्टिस्ट है नवी मुंबई में, तब मुस्टाच टैटू नाम का उनका आर्ट स्टूडियो है। उनके इंस्टाग्राम पे 880 के फॉलोवर और यूट्यूब पर 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा लीफ यूज करना चाहिए। लीफ आर्ट के लिए हम कोई भी लीफ यूज कर सकते हैं, पर मैं हमेशा पीपल के लीफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि उसका शेप जो है हार्ट शेप का होता है और इसमें लीफ आर्ट बहुत अच्छी लगती है। लीफ को सिलेक्ट करने के वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लीफ को जहाँ पेटियो लीफ की जो होती है वहाँ से दोनों साइड जो लीफ होता है सेम साइज का होना चाहिए और लीफ कहीं से भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जो होती है वो लीफ आर्ट बन जाने के बाद हमें अच्छा रिजल्ट देती है। और दोस्तों, लीफ को पेड़ से तोड़ने के बाद भी और लीफ आर्ट बन जाने के बाद भी लीफ जो है हमेशा हमें बुक में ही रखना है और बुक के ऊपर कोई भारी चीज रख देनी है या फिर बुक को जो है हमें बेड के नीचे रख लेना है। लीफ को बुक में रखने से क्या होगा कि 4-5 दिनों तक जो है लीफ हमारा सूखेगा नहीं। और दोस्तों, यह है मेरी नीडल जिससे मैं लीफ में छेद करता हूँ। ये पहले लीड पेंसिल थी, लीड पेंसिल में से मैंने पेंसिल की लीड को हटा के सुई फिट कर दी है। ये वही सुई है जो हमें कपड़ा सिलने में काम आती है। सुई को हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा कि हाथ में जो है उंगलियों में हमें दर्द होगा और उसके निशान पड़ जाएंगे, इसलिए मैं लीड पेंसिल का यूज करता हूँ। लीड पेंसिल में आप इसे सुई फिट करके यूज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आर्ट भी आपकी अच्छी बनेगी। और अब हम देखेंगे कि फोटो कौन सी सिलेक्ट करनी है। कोई भी फोटो सिलेक्ट करने के बाद हमें बैकग्राउंड जो है फोटो का वो रिमूव कर देना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम कोई भी बैकग्राउंड रिमूवर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बैकग्राउंड रिमूव करने से क्या होगा कि फोटो को जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे तब हमें फोटो की आउटलाइन जो है वो अच्छी तरह से दिखेगी। अगर बैकग्राउंड होगा तो हमें आउटलाइन अच्छी तरह से नहीं दिखेगी। जब आप आर्ट बनाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमें फोटो को पिक्सआर्ट में ले जाना है और ब्लैक एंड व्हाइट वाली इफेक्ट लगा लेनी है। फिर ठीक से सेट करके हमें फोटो को सेव कर लेना है। फिर हमें जेरोक्स की शॉप पे जाके इसकी प्रिंट निकलवा लेनी है। और याद रहे दोस्तों कि जितना हमारा लीफ है उतनी ही साइज की हमें प्रिंट निकलवानी है। और अब हमें एक बुक लेनी है, लीफ को बुक के ऊपर रख के टैप की मदद से प्रिंट को हमें ऐसे लीफ के ऊपर लगा लेना। अब हमें बनानी है आउटलाइन। आउटलाइन बनाने के लिए हमें जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें अंदर की तरफ छेद करके हमें लाइन बना लेनी है। याद रहे दोस्तों, ये ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट जो होता है उसकी लाइन जो होती है उसमें से व्हाइट पार्ट की तरफ अंदर की तरफ भी हमें छेद करके लाइन बना लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखें वीडियो को, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा स्लो मोशन करके वीडियो को देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आउटलाइन बन जाने के बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट को अलग से शो करना होता है। व्हाइट पोर्शन जो हमारा होता है उसमें छेद करके हमें ब्लैक पार्ट से अलग करना होता है। याद रहे दोस्तों, व्हाइट पार्ट में ही हमें छेद करना है, ब्लैक पार्ट को हमें छूना भी नहीं है, ठीक है। आप रेफरेंस पिक को है जो बार बार देखते रहिए ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आप सबको एक काम करना है, मुझे किस तरह से बोलना चाहिए और वीडियो अच्छी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी इस वीडियो में गलतियाँ क्या है वो आपको सबको कमेंट में बताना है। आप जरूर बताना कमेंट में। अब ये आर्ट कंप्लीट होने वाली है और इसमें मैं मेरी साइन कर रहा हूँ, आप अपनी साइन कर सकते हो। और इस वीडियो को आप अपने आर्टिस्ट दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।